गाइज वेलकम बैक टू माई फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइज। मैं बहुत अच्छी हूँ और हैप्पी दिवाली सबको मेरी साइड से और मेरी फैमिली की साइड से। तो गाइज आज है दिवाली, फाइनली दिवाली आ गई और मैं ब्लॉग बहुत लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से। जिस बात का डर था वही बात हो गई मेरे साथ। मुझे मन क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वही होता है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, जो वो सोचता है वो होता है। तो बट कोई नहीं, देखे पीछे मंदिर मेरी चमक रही है, चिम 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 तिम तिम आते तारे। तो गाइज आज दिवाली के दिन कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, मैं बहुत लेट उठी हूँ, मतलब उठ गई थी तो बहुत पहले, बट आफ्टर पीरियड्स मैं फिर उठी हूँ 11 बजे बेड से, जो मुझे थोड़ा रिलैक्स लगा। पेन तो है बट थोड़ा रिलैक्स लगा, क्योंकि अगर ऐसे बेड पे पड़े पड़े रहेंगे ना फिर दिन निकल जाएगा। 12 ऑलरेडी बज गए, ना मैंने कुछ खाना बनाया ना मैं कुछ खाई हूँ। बट हाँ, मैं एक स्पेशल चीज़ बनाई हूँ। क्या बनाई हूँ मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सो, आज दिवाली के दिन ये तो गाइस खाना ही चाहिए। देखो मुझे ना मीठा खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था, फिर मुझे चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही थी। मैं सोची अगर मैं बाहर से मंगाती हूँ फिर पैसे खर्च होंगे, तो मैं घर पर बना लेती हूँ कुछ अच्छा सा जो आप लोग देखोगे अभी। टन टना गाइस, ये है, गैस करो क्या है। वैसे मैं बता दूंगी, थंबनेल से पता चल गया होगा। ये है गाइस ब्रेड का हलवा। अब देखो कितना यम्मी दिख रहा है, कितना टेस्टी। अभी मैं खाई नहीं हूँ, अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी। अगर इसका रेसिपी जानना हो तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो जाके, इंस्टाग्राम में मैंने रेसिपी बताई है। अगर आप लोग को प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो फिर मैं ब्लॉग शूट करूँगी, अभी नहीं, अभी सरप्राइज है। क्योंकि मुझे ना मतलब फेस्टिवल के दिन ना मतलब ऐसा लगता है मैं कुछ अच्छा बनाऊँ, अच्छा खाऊँ, अच्छा मतलब ऐसा मेरा सीन है। बट मन तो बहुत कुछ करने का था, मेरा प्लान बहुत खुश था, बट मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया गाइस इसकी वजह से। अब देखते हैं, पूजा तो मैं नहीं कर पाऊँगी शाम में, तो फिर किसी से करवाती हूँ। ऐसे तो नहीं रखूँगी गणेश जी लक्ष्मी जी रख के सिर्फ, तो किसी ना किसी से करवाऊँगी। बट हाँ, रंगोली वगैरह डेकोरेशन वगैरह बनाऊँगी। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आलू गोभी की सब्जी स्पाइसी, और बनाऊँगी फिर पूरी। ये हलवा हो गया, और राइस नहीं खाऊँगी आज, फिर शाम में बनाऊँगी कढ़ी और राइस। तो ये है मेरा आज का खाने का बता दिया मैंने, जो थोड़ा हेल्दी भी होगा और फिर डाइट भी मेनटेन हो जाएगा। कल जाना मुझे जिम। गाइस पता है मेरे मन में ना एक वो चल रहा था, मतलब क्या कहते हैं उसको, दुविधा, हाँ नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे थे आज मेरे मन में। ये आ रहे थे कि मैं यार पीरियड्स हो गई, मेरी किस्मत अच्छा नहीं है, ऐसा हो गया, ये हो गया, अब मैं कैसे पूजा करूँगी। फिर मेरे मन में आया कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ऐसे रहने दूँगी, सब बेड पर रहूँगी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर दूसरा माइंड मेरा कनेक्शन बोला कि अगर तू ऐसे रहेगी, दिवाली फेस्टिवल एक बार आता है चला जाएगा, तेरा पीरियड्स हर मंथ आएगा, तो फिर वो तेरे को दिक्कत देगा। फिर यार बाद में अफसोस होता ना, यार मैं कर ही लेती कुछ अच्छा हो जाता ये वो। फिर मैंने अपना पॉजिटिव साइड को पकड़ा और मैं फिर उठी, खुद को अंदर से मोटिवेट किया कि नहीं मैं ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान जी को यहाँ से दिल से भी करो तो भगवान जी हैं ही। तो फिर मैं अभी यहाँ पे आप लोग से बातें कर रही हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ और उसके बाद सेलिब्रेट भी करूँगी गाइज। तो गाइज मैं पटाखे नहीं फोड़ती क्योंकि मुझे डर लगता है। और एक मिसहैपनिंग हो गई थी मेरे फैमिली में बहुत पहले, जब हम लोग छोटे थे तो छोटी वाली सिस्टर का पैर जल गया था, तब से मतलब किसी न किसी का, किसी अंकल का हो गया था, फिर उसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है और फिर इसलिए मैं नहीं, मैं हाँ थोड़ी बहुत वो जो होते हैं फुलझड़ियाँ वो कर लेती हूँ, बाकी नहीं। तो गाइज हलवा खा के बताती हूँ कैसा बना है। गाइज आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो ये भी बताना मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, बट कोई नहीं, अब ये खा के देखते हैं। इतना यम्मी है, इतना खाते रहो, अभी लेके खाऊंगी। मीठा बिल्कुल कम है, शुगर डाला है मैंने थोड़ा सा, बट कम है। चले गए फिर खाना वाना बना के, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। तो मैं नहा ली, खाना खा लिया मैंने। अब अभी टाइमिंग हो रहा है 4:30 हो रहा है, थी क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और अब मुझे करना है थोड़ा सा फूल वगैरह लेके आना है, उसके बाद फिर मैं दिया वगैरह लगा ली हूँ, मतलब धो के फिर रंगोली बनाऊँगी, उसके बाद पूरा काम करके फिर रेडी होंगी, फिर पूजा भी कराना है, तो सब करते हैं गाइस धीरे धीरे। वैसे पता आपको बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा, इतना पेन हो रहा है ना, मैं आपको क्या, मैं मतलब एक काम कर रही हूँ ना तो पहले बैठ जा रही हूँ, फिर कर रही हूँ, फिर बैठ फिर कर रही हूँ,
हालत खराब है। चलिए कोई नहीं, दीप लगा दिया मैंने यहाँ पे धो के, ये सूख जाएगा तब तक सामने चलाइए। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी थोड़ा धूप तेज है, आज ठंड मॉर्निंग लग रही थी बट अभी ठीक है। देखो कितनी शांत है, आज सब बंद है। तो गाइस ये सारा सामान मैं ला के रखी थी बट पोपट हो गया सब। हाँ क्या कर सकते हैं। ये देखो ये गणेश जुलूस मुझे मैं चिपका दी थी क्योंकि इसमें देखो सब हैं, गणपति भी हैं और लक्ष्मी माँ भी है और सरस्वती माता भी है और ये कुबेर भगवान और ये उल्लू। तो ये बहुत ही शुभ होता है लक्ष्मी माँ के साथ आना, तो इसलिए मैं लेके आई। उसमें मिट्टी मिल रहा था बट मैंने नहीं लिया, मैं ये ली। अच्छा लग रहा है काफ़ी, मुझे अच्छा भी लग रहा है और माँ आशीर्वाद देना, माफ़ करना, पूजा नहीं कर पा रही मैं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सच में। इसमें गणपति लक्ष्मी जी है और देखते हैं अब कैसे पूजा कराती हूँ मैं, क्योंकि किसी और से बोल के बहुत दिमाग खराब होता है, मतलब हर चीज़ बताओ एक एक करके, ये करना वो करना वो करना ये करना वो करना, ये उसमें दिमाग खराब होता है। फिर अब देखते हैं गाइस, चलिए पहले ले आते हैं फूल वगैरह प्रसाद और पैड लाना है, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से गाइस। तो मार्केट से आ गई सामान वगैरह लेके और अभी हालत थोड़ा बुरा है बट कोई नहीं, इग्नोर करना। अब मैं दिखा रही हूँ आपको मैंने क्या क्या डेकोरेशन कर लिया है और अभी 6 बज गए, मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया तो जो लोग नहीं देखा जाके फटाफट गाइस देख लेना ब्लॉग, अभी मैं थोड़ी गंदी लग रही हूँ बट अब पूजा का टाइम हो रहा है सो हम अब करेंगे थोड़ी देर पूजा। ये मैंने कुछ दिखा रही हूँ, ये मैंने रंगोली बनाया है, मुझे नहीं आता बट मैं लेके आई थी बनाने वाले, मैं उससे बनाई हूँ। तो रेड रेड यहाँ पे दीप रखेंगे बीच में और ये रहा मेरा गेट का लुक, ये देखो गेट, ये मैंने साइड में लेके आई हूँ। ये रहा दिवाली और ये रहा मेरा दीपावली का शुभ लाभ, देख लिया आपने। एक ये लेके आई हूँ मैं, मैंने हाँ रंगोली बनाई और इधर हाय करो, ये पूजा करेगी गाइस, ये कर लिया। सुनो इसमें बत्ती है, अभी लेके आएगी ना उसमें फूल जो है ना उसमें बत्ती है, निकाल लो रुई वाला। ये गाइस यहाँ दिया कंपटीशन हो रहा है, फिर इधर ये भी सारा पूजा होगा इधर, तो अभी आपको ये सब देखने को मिलेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ भी देती, एक मैंने यहाँ पर लगाया, ये इधर दे दिया और ये रहा मेरा कुछ बालकनी का हाथ, मैंने एक इधर भी लगाया, इधर लाइक नहीं है, कोई यहाँ लगा है गेट पे, ये भी अच्छा लग रहा है। इस पूजा पाठ हो गया बहुत अच्छे से हुआ, मैं मुझे लगा था नहीं हो पाएगा बट बहुत अच्छे से हो गया और अब मेरा मन नहीं हो रहा रेडी होने का बट मुझे एक क्लैब करना था तो मैं सोच रही हूँ रेडी हो जाऊँ। सूट आया कब से रखा है कोलैब करने के लिए, मैं सोचे दिवाली पे करूँगी बट वो भी पोपट हो गया। ट्राई करती हूँ, अभी थोड़ा ब्लैक ब्लैक इधर लग रहा है, ट्राई करती हूँ रेडी होने का बट मन तो हो नहीं रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ पूरा जो कर लिया मैंने, मैंने नहीं मैं करवाई हूँ। तो गाइस मेरा गणेश जी लक्ष्मी जी माता, ये मैंने पूजा करवाया है, बच्ची थी जैसे किया बट बहुत अच्छा किया बताया, बहुत थक गई वो बेचारी 2 घंटे से कर रही थी। और माँ लक्ष्मी अपना कृपा सब पे बनाए रखे, जय गणपति बप्पा। वो दीप रखी हूँ मैं जलाऊंगी, बाकी मैंने सब जला दिया, ये सब दीप ये ऊपर का ऊपर मैं लगाऊंगी अब चुनने के बाद में संडे को लगाऊंगी। ये गाय रंगोली पे दिया है, ये बाहर का है, सब मैंने दिखा दिया, फिर भी दिया एक दिया वहाँ लगाऊंगी, एक इस रंगोली पे लगाऊंगी और एक दिया उधर लगा दिया, तो ये इधर लगा दिया, ये अच्छा लगा प्यारा, ये इधर लगा इधर कैंडल लगाऊंगी थोड़ी देर बाद। ये देखो गाइस सामने, अभी छत पे जाऊंगी, बहुत पटाखे फूट रहे हैं तब दिखाऊंगी। जय गणेश जय, मैं सोची थी मैं भी लाइट लगाऊं बट मैंने नहीं लगाया। वाओ वाओ कैसा दिवाली सेलिब्रेट हुआ बताना जरूर, मैं जैसे तैसे कर ली बट आई होप नेक्स्ट ईयर बेटर होगा, इससे बेटर होना चाहिए, इस बार तो नहीं हो पाया बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली बेटर होगा। तो सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की गाइस, सबके घर में खुशियां बने रहे, सबके घर में माँ लक्ष्मी माँ गणपति का कृपा बने रहे। हाँ अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेडी हो जाऊँ, हो ही जाती हूँ अच्छे नरम में से, चलिए फिर रेडी होके मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली मैं रेडी हो गई, आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ नहीं किया, वेरी सिंपल। तो मैं ये सूट इंस्टाग्राम से मतलब मैंने लिया है, मिला है मुझे एक्चुअली, इसको कोलैब किया
कोलैब करना है मुझे। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर जाएगा इस फटाफट फॉलो कर लो और बताना, ये सूट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। आप लोग को लेना तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ फुल लुक सूट का। गाइस मेरा फुल लुक ये देख सकते हैं, ये नीचे भी पूरी ये वो है मिरर सूट है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज भी और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात है कि कांच बिल्कुल चुप नहीं रहा है, बहुत कंफर्टेबल है। बताना देख लो, हो गया मेरा दिवाली अच्छे सेलिब्रेशन, बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा। तो गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करो मुझे, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आज यहाँ कल कहीं और सेलिब्रेट करते रहेंगे गाइज, बाहर बहुत पटाखे छूट रहे। अभी मैं जा रही हूँ छत पर, तो शूट करूँगी छत पर ब्लॉग, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लोग को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, पटाखा कैसे फोड़ रही है देखो। ये मैं दिखा रही हूँ दिल्ली का नज़ारा, पटाखा देख लो आप, दिवाली देख लो, ऊपर आई हूँ मैं छत पे। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन भाई, मुझे बहुत डर लगता है पटाखे से सच में। ये देखो कितने पटाखे फोड़ रहे हैं, ये देखो देखो सेलिब्रेशन। आई लकी अभी हो गया, सारा डन हो गया। मैं गाइस एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही थी कि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। यहाँ पे सामने ही वैशाली पड़ता होगा, जो दिल्ली में रहते हैं नोएडा में, तुमने पता है, जो गाज़ियाबाद में रहते हैं सॉरी। तो वैशाली मेरे यहाँ से मतलब बिल्कुल पास में है, वहाँ की पूरी बस्ती सोसाइटी में आग लग गई है और सिर्फ पटाखे से। अभी ना कोई बुझाने वाला आ रहा है, इतनी धुआँ है, इतनी सोचो वैशाली यहाँ से मतलब दूर है, ऐसे होगा 1 किलोमीटर दूरी पे होगा, बट इतनी मतलब मेरे छत से दिख रहा है। तो गाइस बी सेफ बी स्ट्रॉन्ग, दिवाली सेलिब्रेट करना है, इतने पटाखे नहीं छोड़ने। देखो पटाखे बहुत आजकल वो आते हैं मतलब डुप्लीकेट आते हैं और फिर ब्लास्ट हो जाते हैं, करो बट थोड़ा करो। और मैं तो नहीं फोड़ती, मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे पसंद नहीं लगता क्रैकर्स। बहुत पॉल्यूशन हो गया, इतनी पॉल्यूशन हो गई ना बाहर, अभी तक लोग कर ही रहे सेलिब्रेट। तो गाइज अब हम चलते हैं सोने के लिए। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ये ब्लॉग SL से ही रहेगा अभी अब। सो अभी छठ का फेस्टिवल है तो मे बी छठ का ब्लॉग मैं अपलोड करूँ। तो जय माता दी, जय लक्ष्मी माता, जय गणपति बप्पा मोरिया, सारे बोलो जय गणपति बप्पा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।